एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है, क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का। मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। सरकार ने 15 मार्च से पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है और घटे हुए दाम देश भर में आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से नागरिकों के बीच इसकी खुशी देखी जा रही है। जहां कुछ लोग एक तरफ इसे आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग खुश होकर मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी जी ने जो पेट्रोल घटाया है अभी बहुत अच्छा किया है, भले ही 2 रुपए घटाया, कुछ न कुछ तो राहत दी है। एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है, क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर है। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारा 50,000 रुपए का तेल डलता है, सब गाड़ियों में डलता है महीने का। उसमें कितना लगभग बच जाएगा आपको? 2-3 हजार तो बचेंगे। इससे महंगाई भी कम होगी? हाँ, डीजल से महंगाई कम होगी, ट्रकों का भाड़ा कम होना चाहिए। ये मोदी सरकार में जो हुआ है अभी 2 रुपए पेट्रोल का भाव कम, बहुत अच्छा हुआ है और मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। थैंक यू। बजट तो अभी और भी अच्छा निकलेगा, बजट तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मोदी सरकार आएंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। सस्ता हो गया तो कम्फर्टेबल ही लगेगा, किसी को भी लगता है कम्फर्टेबल। अभी हमेशा तो रेट रहे या नहीं रहे पता नहीं, लेकिन आज के दिन तो बोलो या इलेक्शन तक सभी लोग पेट्रोल भर भर के ही लेने वाले हैं।